सो हेलो एवरीवन, कन्वर्जन का जितना भी डर है सारे भूत को भगा देंगे। ठीक है, ये जो लेक्चर लेकर आए हैं, जो तुम्हारे सामने फ्लो चार्ट दिख रहा है, अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, हमको बेसिकली चैप्टर में करना क्या है, अब पूरे ऑर्गेनिक में देख रहे हो, एल्केन एल्किन से अल्काइल हैलाइड, या तुम इसी अल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, कहीं पर ईथर बना रहे हो, कहीं एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन अमाइड एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइट एस्टर अमाइन और अल्काइल साइनाइड, बस इतने के बीच में ही घूम फिर कर हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन चलने वाला है। तो अब हमको करना क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जाना है। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलवाएगा, इतना ही काम करना होता है। अब जैसा सपोज हमको एल्केन से अगर एल्काइल हैलाइड बनाना होगा, तो देखो एल्केन का रिएक्शन एच न्यू विद सी एल टू, यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, फ्री रेडिकल। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, तुम हाइड्रोजन को हटाते हो और एक क्लोरीन लगा देते हो। अगर यहाँ से इसका प्रोडक्ट बनाया जाए, तो देखो कार्बन कार्बन और एक पे क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। ठीक है, अब अगर एल्कीन का तुम अगर अल्काइल हैलाइड बनाते हो, तो भाई यहां से देखो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ, अगर मार्कोनिकॉफ रूल एम ए आर मारोगे ना एल्कीन पे, तब भी क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। जैसे यहां पर देखो एक प्रोपीन है, अगर मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन हैलाइड से अगर इसका रिएक्शन कराओगे, तो जहां पर कम हाइड्रोजन होगा वहां पे माइनस पार्ट लगेगा, और जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पे इसका एच प्लस यानी प्लस वाला पार्ट लगेगा। तो अगर इसका हम प्रोडक्ट की बात करें, तो ऐसे बनेगा सी सी सी, हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, नीचे क्या लग जाएगा, बी आर। ये तो हो गया टू ब्रोमो प्रोपेन। अगर यही सबको वन ब्रोमो प्रोपेन बनाना होता, तो फिर इसका हम एंटीमार करते। क्या करते हैं, एंटीमार ए एम ए आर। अब एंटीमार इसका जस्ट अपोजिट यानी वन डिग्री वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा, तुम्हारा ब्रोमीन लग जाएगा। इतना बात समझ में आया। चलो, अगर इसी एल्कीन से हमको एल्कोहल बनाना हो, तो फिर हम इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर भी रूल लगने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में हम किसको जोड़ेंगे, वाटर को जोड़ेंगे, जितना बात बोल रहे हैं। ठीक है, लिखते जाओ। तो अब वाटर में देखो H2O में एक पार्ट प्लस का है, दूसरा तुम्हारा माइनस है, तो माइनस वाला पार्ट यहां पे लगेगा जहां पे कम कार्बन हो। तो यहां पे एक एल्कोहल बना सकते हो, ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी का तुम एंटीमार का निकाब लगा दो, ठीक है, HBO हाइड्रोब्रोनेन ऑक्सीडेशन, तो एंटीमार का निकाब लगेगा, तो वहां पर एक डिग्री बन जाएगा। अब देखो, ग्रेट। अब अगर तुमको अल्काइल हैलाइड सपोज ये मिल गया, यहां पे आते हैं, अगर तुमको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो, ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें हमको कार्बन की संख्या बढ़ानी रहती है, तो अब इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन तुम KCN से करा दो। अब K और क्लोरीन निकल जाएंगे KCl, अब यहां पे भाई साहब मेरे कार्बन की संख्या बढ़ गई। अब अगर इसी का तुम रिडक्शन करा दो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, H2 विथ निकल। ठीक है, तो इसको CH2 और NH2 में कन्वर्ट करके अमाइन बना देंगे। मजा आ गया, यहां पर क्या बन जाएगा, अमाइन। तो CH2 और यहां पे बनेगा CH2 और NH2। ठीक है, चलो ठीक। तो हमने देखो एल्कीन से अगर तुमको अल्काइल हैलाइड बनाना होगा, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होगा, और देखो एल्कीन से ही अगर तुमको एल्कोहल बनाना होगा, तो उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। अब यहां से भी तुम दो टाइप का, अगर टू डिग्री वाला बनाना हो तो मार्कोनिकॉफ लगाओगे, वन डिग्री वाला बनाना होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो अगर हमको कार्बन की संख्या बढ़ाकर अगर अमाइन बनाना हो, अगर देखो 1, 2, 3 अगर क्लोरोप्रोपेन से अगर तुमको बनाना रहता ब्यूटेन 1 अमाइन, तो फिर ये काम कर लेते। इतना समझे हो, तो हम आशा करते हैं तुम जितना बोल रहे हैं अब तुम लिखते जा रहे होगे। ठीक है, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो फिर पढ़ने का ही मतलब नहीं है। अब एल्कोहल भी तुम्हारे पास हो जाएंगे 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले। अगर 1 डिग्री एल्कोहल का, सपोज 1 डिग्री वाला एल्कोहल मान लो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, CH3OH, या तो एक और क्वेश्चन ऐसे मान लो ले लेते, एल्कोहल तुम बना लिए, ऐसे बना लिए, अब ये वाला एल्कोहल तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ से बनेगा, यहां से एंटी मार्कोनिकॉफ HBO हाइड्रोब्रोनेन ऑक्सीडेशन पढ़े होगे तुम। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, SCRO3 ले लो या PCC ले लो, ठीक है, या तो कॉपर विथ हीट ले लो। ठीक है,
अगर एक डिग्री एल्कोहल हो CrO3 विथ H3SO4, इसको बोला था जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, तो सीधा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इस वाले पूरे ग्रुप को ऐसे कन्वर्ट कर देगा। देखना इस पूरे की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो ऐसे बनाएगा CCC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर 2 डिग्री एल्कोहल रहता, अगर उसका तुम ऑक्सीडेशन कराओगे जैसे इसका, तो यहाँ पे मेरे भाई कीटोन बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, कीटोन बनेगा। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम NH3 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड बन जाएगा, अमाइड, देखो CCC डबल बॉन्ड O इधर लगेगा NH2, अमाइड बन जाएगा। अगर अमाइड से तुमको अमाइन बनाना हो, अमाइड से अमाइन बनाना हो अगर तुमको दिखाई दे रहा हो, तो क्या करो, यहां से HBD हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, कैमरे में आ रहा है, ठीक है, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है Br2 विथ बेस, यानी KOH। अब हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में देखो होता क्या मेरे भाई, इस वाले पूरे ग्रुप को गायब कर दो तो कार्बन की संख्या 1 कम हो जाएगी, ठीक है, यानी 1, 2, 3 propene 1 amide से तुम्हारा बन गया ethane 1 amine। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया, मिला अमाइड, कराया HBD, मिला 1 कार्बन कम वाला अमाइन, आया मजा, सही। अगर एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ अगर इसका रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो फिर हमको एस्टर मिलने वाला है। अब एस्टर मिलेगा कैसे, दिखाते हैं तुमको, देखो सी डबल इधर का OH और इधर का H लेकर वाटर निकाल दो तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो CC डबल बॉन्ड O इधर से O और यहां से जोड़ दो तुम C2H5, एस्टर बन गया, ठीक है। एनहाइड्राइड कब बनेगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 मोल लेकर पानी निकालो, ठीक है। अगर मेरे भाई तुमको दिखाई दे रहा हो, देखो एनहाइड्राइड का बता रहा है, बोर्ड का अपना लिमिटेशन है यार, अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इधर उधर करके नाटक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो CC C डबल बॉन्ड O इधर से लगाया O, इधर बनाया H, 1 मोल और इसी का ले लो OH CC। अब इधर से देखो पानी निकाल दोगे तो O इसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो देखो सिर्फ हम इसको लिख रहे हैं इसका, बाकी इस तरीके से जोड़ लोगे, ठीक है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का सेल्फ खुद के साथ होगा, हीट कर दोगे, हीट करते हैं P2O5 की उपस्थिति में, क्या कर दो P2O5 की उपस्थिति में हीट कर दो। अगर असाइल हैलाइड मेरे भाई बनाना हो तो देखो PCl5 से रिएक्शन करा दो, CO इस OH ग्रुप को पूरा निकाल दो, सीधा लगा दो CCl, CC डबल बॉन्ड O इधर लग जाएगा Cl, इतना क्लियर होता है। तो देखो हमने बताया क्या तुमको, एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना हो फ्री रेडिकल रिएक्शन करा दो Cl2 विथ HNu, Cl2 विथ, चलो डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो देखो हमने बताया क्या, एल्केन से अल्काइल हैलाइड पे जाना हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एल्केन का रिएक्शन Cl2 विथ HNu सनलाइट, तुमको एक मिल जाएगा हेलो एल्केन मिल जाएगा। अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो तुमको CN ग्रुप लाना होगा, CN ग्रुप लाने के लिए KCN ला दो, SN2 मैकेनिज्म, तो SN2 रिएक्शन से ये तुम्हारा KCl बाहर चला जाएगा, CCN लग जाएगा। अब इसका अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करा दोगे तो अमाइन बन जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर इस अल्काइल हैलाइड में से तुमको ईथर बनाना हो, ये जो हमसे मिस हो गया, तो एल्कोहल लेते हो, एल्कोहल का सोडियम साथ रिएक्शन कराओगे, देखो एल्कोक्साइड आयन बनेगा, जिसका अल्काइल हैलाइड CH3Cl RX के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो तुमको ईथर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ईथर, ईथर को भी हमने निपटा लिया। अब अगर एल्कोहल का तुम 1 डिग्री वाले एल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, अगर 2 डिग्री वाले का कराओगे 2 डिग्री वाले का तो कीटोन मिलेगा, अगर 1 डिग्री वाले एल्कोहल का तुम अगर ऑक्सीडेशन कराते हो जोन्स रिएजेंट, इसको बोला जाता है जोन्स, JONES जोन्स रिएजेंट, इसके जगह पे तुम KMnO4 विथ बेस ले सकते हो, KMnO4 विथ एसिड ले सकते हो, ठीक है, या तो K2Cr2O7 विथ एसिड ले सकते हो, पढ़े होगे तुम, ठीक है। PCC के उपस्थिति में कराओगे कीटोन होगा, CrO3 भी ले सकते हो, यानी 2 डिग्री वाले कीटोन, 1 डिग्री वाले एल्डिहाइड और 1 डिग्री वाले का ही अगर तुम ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट या जो बोले हैं KMnO4 विथ एसिड बेस जो भी लेते हो
बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ हीट करोगे तो अमाइड मिलेगा। अब अमाइड से अगर अमाइन बनाना हो तो याद करो वो दिन हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन टेक्निक पढ़े थे, तो एक कार्बन को कम कर देता है, तो देखो तीन कार्बन से दो कार्बन वाला अमाइन बना देगा। चलो बहुत बढ़िया। अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो तो असाइल हैलाइड CCCOCl, OH को भगाओ, Cl को लगाओ। खुद के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो एनहाइड्राइड बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है, दिखाई दे रहा है। अगर एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो एस्टर बनेगा। आई होप ये जो फ्लो चार्ट है तुम्हारे प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ तो जरूर 1% ही अगर कुछ अगर भूमिका निभा दे तो बहुत खुशी की बात होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।